सब्सक्राइब कीजिए स्कूप चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, खबर आ रही है 25 टन गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा गया है, जो 3 लोगों को गौवंश के साथ पकड़ा गया है, जिसमें नरेंद्र उपाध्यक्ष, उमेश और रविवार शर्मा हुए गिरफ्तार। खबर जानने के लिए वीडियो पूरी देखें। उज्जैन में 2000 गाय की खाल से भरा ट्रक स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम ने सूचना मिलने पर पकड़ा है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम रविवार शर्मा, नरेश उपाध्याय और उमेश है। एसपी और एसएसपी के अनुसार पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी है, जिसमें ये पता लगाया जा रहा है आखिर उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर ये लोग इतनी अधिक मात्रा में खाले किन लोगों से एकत्रित करके किन लोगों को सप्लाई के लिए ले जा रहे थे। अभी इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस के अनुसार इसके पीछे बड़े रैकेट का हाथ है। फिलहाल 3 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। एस प्रमोद सोनकर ने बताया कि मंगलवार शाम सूचना मिली थी कि ग्राम रातड़िया से एक ट्रॉले में गाय की खालें भरकर कोलकाता ले जाई जा रही है। इस पर बड़नगर रोड पर मोहनपुरा के समीप ट्रॉला नंबर RJ14GG1342 को रोककर उसकी तलाश ली गई, तो उसमें 500 बंडल गाय की खालें मिली। एक बंडल में 4 खालें थी, इस प्रकार 2000 खाल बरामद की गई है। आपको बता दें, इस समय उत्तर प्रदेश में गोवंश पर रोक लगी हुई है। फिर सरकार के नीचे से इतनी खाले कहां से आई और इन खालों को कौन भेज रहा था, सवाल बना हुआ है। उसी में पकड़े गए 3 अपराधी हिंदू हैं। आपको बता दें, पुलिस ने अभी बस इन लोगों के नाम पब्लिक करे हैं, अभी कोई भी तस्वीर पुलिस ने नहीं दी है। ऐसे ही खबरें जानने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को शेयर करना ना भूले।